हेलो दोस्तों, आपको यूनिक स्टडी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राजीव गांधी पर निबंध, वो भी हिंदी में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। वे प्रसिद्ध पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के पुत्र थे। उनके पिता का नाम फिरोज गांधी था। राजीव गांधी ने अपनी शिक्षा भारत और विदेशों में प्राप्त की। उन्होंने एक पेशेवर पायलट के रूप में इंडियन एयरलाइंस के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने सोनिया से शादी की, जो एक इतालवी थी, इसको इंग्लिश में इटालियन भी बोला जाता है, जो एक इटालियन थी। उनका एक बेटा राहुल और एक बेटी प्रियंका थी। राजीव गांधी भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनकी मां की हत्या के बाद पद भार ग्रहण किया। मतलब इंदिरा गांधी की मौत होने के बाद उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। राजीव गांधी सबसे कम उम्र के भारतीय प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी एक आदर्श नेता थे। उन्होंने कभी भी किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारी। वे दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। अगर उसने कुछ भी तय किया तो वह मजबूती से अपनी जमीन पर अड़ा रहा। उनके हाथों में देश सुरक्षित महसूस कर रहा था। वह व्यक्ति थे जिन्होंने देश के आईटी और कंप्यूटरीकरण के बारे में सपना देखा। राजीव गांधी 21 मई 1991 को मद्रास के पास श्री पेरेम्बदूर में हत्यारे की गोली से गिर गए। उन्होंने भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। उन्हें भारत के सबसे प्यारे सपूत के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। तो आपने देखा, ये राजीव गांधी की एक निबंध है। इस निबंध को आपने अच्छे से सुना और अपने से दे पढ़ा। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा।